हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल, माई सेल्फ बिंदु प्राचल। तो गाइस, हमने जैसे पिछली बार डिस्कस किया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था क्लास प्लस 2 का एनसीईआरटी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, वो हमने एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों बेसिस के ऊपर पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि अब हमने स्टार्टिंग से ये बुक जो है प्लस टू क्लास की स्टार्ट करी है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को आज हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे किसी भी स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहती है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद क्या हो जानी है, उसकी डेथ हो जानी है। अब जब डेथ हो जानी है तो क्या होगा, वो स्पीशीज वहीं पे खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए बायोलॉजिकल एक जो हमारे पास प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है उस स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी जो है इस धरती पर बनी रहे, उसके लिए एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। ठीक है, तो वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें ऐसा है कि अगर मैन है तो मैन का बच्चा मैन ही होगा। ठीक है, अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस करें दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसे हम क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे, प्रोड्यूस किया जाता है बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर देखें तो इट इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ही तरह के नए यंग वंस को जो है वो जन्म देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो उनकी स्पीशीज है, ये जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों तरह की स्पीशीज में होता है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है इस धरती के ऊपर वो जो है अपने लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि अपनी ही तरह की नई प्रजातियों को, सॉरी नई नहीं, अपनी ही प्रजातियों को वो जो है वो जन्म दे सके, ताकि उनकी प्रजाति जो है आगे विलुप्त ना हो, यानी एक्सटिंक्शन ना हो उन स्पीशीज की। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए जो है रिप्रोडक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लाइफ स्पैन को। लाइफ स्पैन क्या होता है? जब इंसान पैदा होता है और जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, नेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि वो जो है लंबे समय तक काफी जीने के बाद, यानी उसको कोई बीमारी नहीं थी, अपनी ही मृत्यु वो मरा है, तो वो नेचुरल डेथ कहलाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर जो है बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही खत्म हो गया तो वो उसका लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, ये लाइफ स्पैन नहीं है, क्योंकि मैन जो है उसका लाइफ स्पैन जो है वो 80 ईयर तक या आजकल के टाइम में, क्योंकि लाइफ टाइम जो हमारा लाइफस्टाइल है वो जो है वो ज्यादा ही एडवांस होता जा रहा है, तो मैक्सिमम जो है एज वो 70 क्रॉस की जाती है। ठीक है, नहीं तो पहले जो था इंसान वो 100 जो ईयर था वो अच्छा जी लेता था। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या है, देखिए मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमारा जो जैसे फास्ट फूड वगैरह लोग खाते हैं या कुछ ऐसी चीजें, या पोल्यूशन इतना हो चुका है, तो उसकी वजह से हमारे जो लाइफ स्पैन के अंदर जो है वो कमी आ चुकी है। ठीक है, तो हम लाइफ स्पैन की बात करें तो जो हमारा बर्थ हुआ है, ठीक है, वो जब तक नेचुरल डेथ नहीं हो जाती वो हमारा लाइफ स्पैन कहलाएगा। अगर किसी की एक्सीडेंट में होती है तो वो जो है उसका नेचुरल डेथ हम उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी लाइफ स्पैन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर रोज की हम बात करें, रोज प्लांट की, तो 5 to 7 ईयर्स तक की इसका लाइफ स्पैन होता है। राइस प्लांट 3 to 7 मंथ है। बनियन ट्री जो है ये 400 अबव, यानी काफी जो हमारे पास बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ है वो काफी ज्यादा पुराने हैं, कई तो 600 भी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है,
बनाना ट्री जो है 2 to 3 इयर्स तक होते हैं, डॉग जो है वो 20 ईयर तक का लाइफ स्पैन है इनका, ठीक है। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स तक किसका लाइफ स्पैन है, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक का है, पैरट 140 इयर्स है, क्रोकोडाइल 60 इयर्स है, हॉर्स 40 to 50 इयर्स। जैसे क्रो है वो 12 से 15 साल तक जीते हैं, ठीक है। टोटोइस की अगर हम बात करें तो 150 इयर्स भी वो क्रोस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लाइफ स्पैन होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट बात ये है कि जो इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी डेथ होनी ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं हो, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो, कोई भी है उसकी डेथ जो है होगी ही। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि नेचुरल डेथ जो है उनके अंदर क्यों नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हर कोई जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आया है वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करता ही है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाते हैं, अपनी ही बॉडी को जो है वो डिवाइड करके न्यू यंग वंस को जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी नेचुरल डेथ होती है, ठीक है। डेथ नहीं होती, लेकिन वो अपनी ही बॉडी से न्यू वंस को जो है ओरिजिनेट कर देते हैं, ओके। लाइफ स्पैन को अगर हम आगे देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 4 पार्ट्स के ऊपर, 4 स्टेजेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है, अब ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेने के बाद ही वो जो है रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, नहीं, जब तक उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं आई है, ठीक है, तो वो पीरियड जो है जुवेनिलिटी पीरियड उसका कहलाएगा, जुवेनाइल पीरियड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जुवेनाइलिटी में क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द स्टेज बिफोर द ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी वो स्टेज लाइफ की वो स्टेज जिसमें अभी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं आई है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो जुवेनाइल पीरियड या जुवेनाइलिटी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आती है मैच्योरिटी, वो स्टेज, ठीक है, जिसके ऊपर जो अब ऑर्गेनिज्म है दैट इज कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके अंदर वो सारे चेंजेस, जैसे हम एडोलसेंस एज लेते हैं, ठीक है, जो हम है ना होमो सेपियंस, ठीक है, उन ह्यूमंस के अंदर क्या है एडोलसेंस स्टेज आती है, तो जिसमें वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैच्योरिटी वो स्टेज होती है जहां पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सेनेसेंस वो स्टेज है जहां पे अब क्या है बॉडी की डिटोरिएशन हो गई है, ठीक है। डिटोरियोरेशन क्या हो जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है अब सेल्स ने डिवीजन करना बंद कर दिया है, सेल्स जो फर्दर डिवीजन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। बॉडी जो है जिसे हम बोलते हैं ना जर्जर हालत में, यानी कि अब हमारी सेल्स वीक हो चुकी हैं, जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी चल गई है, ठीक है, बुढ़ापा जाता है ना जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बंदा काम करने लायक नहीं रहता है, तो वो स्टेज जो हो जाती है दैट इज कॉल्ड एजिंग एंड सेनेसेंस, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी इन ए बॉडी ऑफ एन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड द एजिंग, और टर्मिनल इवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो पतझड़ आता है दैट इज कॉल्ड द सेनेसेंस, जब वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है कि सेल ग्रोथ जो है अब उनके अंदर एक तरह से रुक चुकी है, फर्दर सेल ग्रोथ जो है वहां पे नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ स्टेज दैट इज कॉल्ड द डेथ, जहां पे क्या है परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज, बॉडी के अंदर होने वाली सभी वाइटल एक्टिविटीज अब स्टॉप हो गई हैं, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रहा है, परमानेंट डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो डिस्क्राइब करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में क्यों जरूरी है। देखिए जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा था कि रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं फ्रॉम द ओल्ड वंस, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर उस पॉपुलेशन को बचाए रखना है तो रिप्रोडक्शन जो है जरूरी है, लेकिन क्यों वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हुआ उनकी जनरेशन आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएगी,
तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जो है जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। हेल्पिंग सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल में हेल्प करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी स्पीसीज को बचाना चाहते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हेल्पिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर रेस को बचाने के लिए अपने ही जैसे नए यंग वंस को, ताकि उनकी जो है जनरेशन लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो चलती रहे। दैट्स वाई कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिप्लेसिंग द ओल्ड एंड डाइंग वन, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं जिनकी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज अब क्या हो रही है, ना के बराबर हो रही है, कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जानी है, तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह न्यू वंस लाने को भी रिप्रोडक्शन कहते हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंट है कि जो पिछली जनरेशन के जो बूढ़े जर्जर हो चुके हैं उन्हें मिटा के उनकी जगह पर न्यू वंस जो है वो लाए जाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को अगर इंक्रीज करना है तो रिप्रोडक्शन शुड बी मस्ट, वहां पे अगर रिप्रोडक्शन होगी तभी इंक्रीज होगी इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट करता है एज ए व्हीकल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हीकल की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जब से अर्थ की एवोल्यूशन हुई है तब तक क्या स्पीशीज जैसी उस टाइम पे थी आज भी वैसी है, नहीं। समय के साथ साथ उसके अंदर क्या हुआ है, कोई ना कोई जो है मॉडिफिकेशन जरूर हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम जो है क्या हम अपने पेरेंट्स की तरह ही एज यूजुअल दिखते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है तैयार हुए हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो है ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें वेरिएशन कब आ जाती है, जब टू डिफरेंट जो है इंडिविजुअल दो डिफरेंट जगहों से आपस में मेट करते हैं तब जो रिप्रोडक्शन होती है, तो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होता है कोई ना कोई मॉडिफिकेशन उसकी में जरूर होती है, ठीक है, क्योंकि आधे जो जीन्स है उसने अपने मदर के हैं और आधे फादर के हैं, तो मॉडिफिकेशन जो है वेरिएशंस वहां पे जो आती है तभी जो है एवोल्यूशन होती है। तो रिप्रोडक्शन एक्ट करती है एज ए व्हीकल ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सिंपल में हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसमें गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती है और ना ही वो बनते हैं, ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट्स होते हैं, वन इज मेल गैमेट एंड अनदर वन इज फीमेल गैमेट, ठीक है, और इन दोनों में जब फ्यूजन होती है तभी रिप्रोडक्शन होती है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, और ना ही गैमेट की फ्यूजन होती है, दैट इज कॉल्ड योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलती है कि जब कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द सिंगल पेरेंट, इसके द्वारा सिंगल पेरेंट के द्वारा वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है इन्वॉल्वमेंट और गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी गैमेट की फ्यूजन जो है वो होगी भी नहीं भी होगी तो रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन और इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ओके। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने स्टडी करा क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन नो एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, ना तो गैमेट फॉर्म्ड होते हैं ना ही उनकी
फ्यूजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी जिस पेरेंट से वो प्रोड्यूस हुए हैं बिल्कुल उनके सेम टू सेम कॉपी होंगे, ठीक है, आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉपीज बनती हैं, सच ग्रुप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। तो एनसीईआरटी में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे? यस, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो हूबहू वैसे ही होंगे जैसे जिस पेरेंट से वो प्रोड्यूस हुए होंगे या जिससे वो रिप्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो ग्रुप है, ठीक है, यानी कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे फर्दर इवॉल्व हो रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको क्लोन कहा जाएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा इसमें से, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में जब पढ़ रहे थे तो विद और विदाउट में आया था, लेकिन जब बिल्कुल ये हो रहा है कि विदाउट द फॉर्मेशन, ठीक है, ना तो वहां पे फॉर्मेशन हो रही है ना ही उनकी फ्यूजन हो रही है, दैट टर्म इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस, ठीक है। यही जो टर्म है, नेक्स्ट जब हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है तो उसे हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमेशा ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होती है, मेनली किन ग्रुप्स के अंदर, यानी कि कौन से जो हमारे पास किंगडम है उसमें से जो मोनेरा है, ठीक है, और प्रोटिस्टा है, इनके अंदर मेनली जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ओके। अब अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि केवल सिंगल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इसे हम यूनिपेरेंटल या फिर मोनोपेरेंटल भी कह सकते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट हो रही है लाइन, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, कोई फ्यूजन और फॉर्मेशन नहीं होगी गैमेट की, ठीक है, एव गैमेटोजेनेसिस। और इसमें जो सेल डिवीजन होती है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अमीबा का ही एग्जांपल लेते हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा जब डिवाइड करेगा तो इसमें डिवीजन जो होगी, जब इससे एक से दो बनेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो डिवीजन होगी वो कैसी होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी सेल के अंदर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होके जो है वो न्यू डॉटर सेल्स बना रही हैं, तो वहां पे जो डिवीजन है दैट इज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, देखिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है दो तरह के सेल्स होते हैं वैसे तो, सोमैटिक सेल, ठीक है, और जर्म सेल्स। लेकिन जो हमारे पास ये मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इसमें जब हमारे पास रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो वहां पे जर्म सेल्स नहीं है क्योंकि ये गैमेट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे सोमेटिक सेल्स हैं। तो जब जो है वो न्यू इंडिविजुअल जब ग्रो कर रहा है थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी, उसमें जब रिप्रोडक्शन हो रही है, उसकी पर्टिकुलर ग्रोथ जो हो रही है सोमेटिक सेल से हो रही है, दैट्स व्हाई हम इस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, सोमेटोजेनेटिक रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। नो रोल ऑफ इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होगा। देखिए सिंगल पेरेंट से उसी के जीन लेके सेम आइडेंटिकल कॉपी उनकी बन रही है, क्लोन्स बन रही है, ठीक है, तो क्या हो रहे हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो अगर वही जीन जो है आगे ट्रांसफर हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है वहां पे, तो वहां पे एवोल्यूशन भी नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करती है, ओके। होल बॉडी पार्ट ए बर्ड बॉडी फ्रेगमेंट और सिंगल सोमेटिक सेल्स। अब देखिए हमारे पास अगर हम बोले कि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है,
ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस ऑर्गेनिज्म की या तो होल बॉडी पार्ट को ही हम यूज कर लेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं अमीबा का, या हो सकता है उसमें कोई एक छोटी सी बड प्रोड्यूस हो, हाइड्रा का एग्जांपल है इसमें, ठीक है, या बॉडी का कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है, पैरामीशियम है, जैसे वो कट जाता है तो एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट को ग्रो कर लेता है, तो बॉडी फ्रेगमेंट या फिर सिंगल सोमेटिक सेल्स भी जो है वो वर्क करता है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से कोई भी पार्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या फुली जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, जैसे हमने बोला था, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस भी इसमें होंगे, हम स्टडी करेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजिस, तो इनमें ये पाई जाती है, बाकी जो हमारे पास हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो आइए हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन होती है, अगर हम सिंपली बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म में किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही जो है वो आगे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अपने ही बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो मेटिंग की वहां पे जरूरत नहीं है, उसको मेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे पार्टनर का, यानी जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, अगर उसको दूसरा पार्टनर नहीं मिलता है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो देयर इज नो चांस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सॉरी, सेक्सुअल पार्टनर की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती, नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर जो है, सिंगल जो सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही बॉडी के किसी भी पार्ट के थ्रू जो है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसके थ्रू ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर हालात अच्छे हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड रैपिडली एंड सिंपली, तो बहुत जल्दी जल्दी और सिंपल बेस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, यानी कि वेदर कंडीशन ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज देयर, तो वहां पे क्या होगा, चांसेस होंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होगी और सिंपल तरीके से है, कोई ऑर्गेनिज्म को वहां पे दिक्कत नहीं है, अगर फेवरेबल कंडीशन वहां पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, रैपिडली प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, और दूसरी बात कि जैसे हम स्टार्टिंग से ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो गैमेट फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें एनर्जी कंजप्शन होती है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन जो है वो लो होगी, बिकॉज देयर इज नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस, कोई गैमेट फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो रही है, तो एनर्जी लॉस भी कम होगा। ओके, ऑफस्प्रिंग गेट इजिली अडेप्टेड टू द सेम एनवायरमेंटल कंडीशन एज द पेरेंट टीम, यानी कि क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट है उसके आइडेंटिकल ही जो है ऑफस्प्रिंग है, तो वो जैसे पेरेंट जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा था या जिस एनवायरनमेंट में वह रह रहा था उसी में ऑफस्प्रिंग जो है वो इजिली अडेप्ट कर जाते हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी। तो लास्ट अब जैसे हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम पेरेंट उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है तो ऑफस्प्रिंग भी उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाता है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज हुआ फिर क्या होगा, तो देखिए नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, क्योंकि वहां पे जो है जेनेटिकली सिमिलर है टू दैट ऑफ द पेरेंट, मिक्सिंग ऑफ जीन्स वहां पे नहीं हुई है, कोई नया जीन वहां पे नहीं आया, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज नॉट देयर, तो स्पेसिफिक वेरिएशन भी उसके अंदर नहीं है, अडेप्टेशन टू चेंज इन्वायरमेंट बिकम डिफिकल्ट, अगर हल्का सा भी इन्वायरमेंट चेंज वहां आता है तो उसको वहां पे अडप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, वो जो है वो उसकी डेथ भी वहां पे हो सकती है, यानी कि वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करा था कि हमारे पास अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे वो रैपिडली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, रैपिडली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और मतलब कि अगर उनको वहां पे खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा था पेरेंट को, ठीक है, उसने क्या किया, रैपिडली वहां पे जो था बहुत सारे जो है ऑफस्प्रिंग को उसने प्रोड्यूस कर लिया, अब उसने तो कर लिया प्रोड्यूस, वहां पे क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन होगी, उन सभी में क्या होगा, अब कंपटीशन होगा फूड के लिए भी, स्पेस के लिए भी। ठीक है, तो
क्या होगा, समटाइम्स सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू ओवर पॉपुलेशन, एंड दैट ओवर पॉपुलेशन कंपीट करेगी किसके लिए, फॉर फूड एंड स्पेस। तो जहां भी उनमें कंपटीशन होगा तो सर्वाइव कौन करेगा, ठीक है, तो सर्वाइव वही करेगा जो वहां पे जो है, जिसको अवेबिलिटी होगी वो फूड वगैरह मिल जाएगा, और जिसको वो नहीं मिलेगा वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिएगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है, और कमेंट करके अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या कुछ आप अपनी तरफ से मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय एंड थैंक यू। ओके।